चलो, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स एरिया क्रॉस सेक्शन एंड गिवेन, मतलब अगर कोई क्वायल है हम लोग के पास, देखो ये करंट कैरिंग क्वायल है जिसमें से ऑलरेडी करंट फ्लो सेंटर ओ है और ये रेडियस आर है, तो अगर इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा है और ये लूप है और ये वाली चीज़ जो है वो लूप है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो इस लूप का हमें मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला हम सबको पता है कि लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर दो और थंब को ओपन कर दो, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाता है और एरिया वेक्टर तीनों एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे मैं कर्ल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर चला जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर चला जाएगा, एरिया वेक्टर ऊपर चला जाएगा तीनों, ठीक है, क्योंकि ये एक इक्विवेलेंट बार मैग्नेट के इक्वल होता है। तो नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल इधर आ जाएगा, तभी तो मैग्नेटिक लाइन है नॉर्थ से निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से निकलती हैं, ये ऐसे कुछ। तो करंट कैरी, अगर ये लूप ऐसे है, मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे तो ऐसे फ्लो हो रहा है तो लूप ऐसे है, हॉरिजेंटल लूप है तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ जाएगा, एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेगा वो भी इधर आ जाएगा, और इस मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है एन आई ए होती है स्केलर में, और वेक्टर में अगर देखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट एन आई एरिया वेक्टर ए है, तो ये वाली चीज़ हमें मिल जाएगी एन आई ए, और मैग्नीट्यूड में हमें चाहिए तो एन आई, मतलब ए ऑप्शन सही है।